अब हम आपको पनीर बनाना सिखाएंगे। पनीर कैसे बनता है? सबसे पहले तो उसमें प्याज प्याज टमाटर डाल के थोड़ी फ्राई कर लेनी है तेल में, ठीक है। अब ये देखो फ्राई हो गया है, सही से रेड रेड हो गया है पूरा। अब इसमें थोड़ी मटर डाल लेते हैं। हमारे पास ज़्यादा था, हमने ज़्यादा डाल दिया। हाँ, हमारे पास थोड़ी ज़्यादा थी, हमने ज़्यादा डाल दिए इसमें। अब इसको फ्राई करते हैं, थोड़ी मटर भुन जाएगी। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं, इसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं आधा चम्मच। अरे अब इसमें ये जीरा बोल गए, मसाला डाल दिया है इसमें एक। ये सभी मसाले हैं इसमें, खाना में सब। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं ये पनीर मसाला है, मटर पनीर मसाला, और ये रेड मिर्च है, डाल दें और ये सुलगा डालते दी। हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें डालते हैं, अब इसको पानी सही से घुमा लेंगे हम। इसको 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे पका ऐसे ही लेंगे। घुमाते रहेंगे, थोड़ी देर रखेंगे इसको चलाकर। अब इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम पनीर काट लेते हैं। ये हमारा पनीर कट गया, डाल दें। अब ये हमारा सही से पक गया है। इसमें पनीर डालते हैं। कैसा डाल देंगे पता भी ना लगेगा। बचा है पनीर, एक टेस्ट करते हैं कैसा है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। मज़े नहीं आया। अब इसको हम घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको पकना रख देते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं बस। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकना रख देते हैं, 5 मिनट के लिए। अब इसको हम देखते हैं चलाकर। अरे बंद करो, नीचे 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 आग लग गई। अब हमारा पनीर रेडी हो चुका है, ये देखो।